सो व्हाट्सअप गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। तो ये दो इंटरव्यू क्वेश्चन या मैनली जो ये एंग्लो ईस्टर्न के ही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो ये जो दोनों क्वेश्चन मैं कवर अप करूँगा वो है हाउ डू यू स्पेंड योर लीजर टाइम, और दूसरा क्वेश्चन है इफ़ यू गेट इनविजिबल फॉर 24 आवर्स व्हाट विल यू डू। तो ये दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मतलब इसका भी एक सिंपल सा ही आंसर है आप दे सकते हैं, मतलब मैं जो बताऊँगा उसके हिसाब से आप अपना भी एक आंसर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अगर आप एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका कवर अप करूंगा हाउ डू यू स्पेंड योर लीजर टाइम। तो इसमें जो लीजर टाइम वर्ड है वो आपका है जब आप यार एकदम फ्री होते, कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं करते, जैसे आपका मतलब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ या फिर ये ऐसा कुछ नहीं करना है, ये आपको स्टडी और ये आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है, मतलब आप बिल्कुल एकदम फ्री हो तब क्या करते हो, ये उसमें पूछा है। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप क्या क्या करते हो, तो अगर मतलब मुझसे पूछा है तो मैं कुकिंग कर सकता हूँ, मैं अपना मतलब एडिटिंग करता हूँ, अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, इंडोर गेम खेलता हूँ, अभी तो लॉकडाउन तो इंडोर गेम ही मेनली सब लोग खेलते होंगे, जैसे पबजी खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, इस टाइप का मतलब आप आंसर दे सकते हैं। तो इसमें आपको वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना हो, तो इसमें आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आप क्या क्या करते हैं घर पे वो आप बोल सकते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एडिटिंग, ड्राइंग, प्लेइंग इंडोर गेम, प्लेइंग आउटडोर गेम, अगर आप बाहर अगर जाते हो खेलने तो आप ये भी बता सकते हैं, एंड यही सब आपको मतलब कवर अप करना होता है इस क्वेश्चन में। तो ये मतलब ज़्यादा मतलब बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा ही क्वेश्चन, आप मतलब छोटा सा आंसर देंगे तो आपसे ऐसा नहीं है कि वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आप इसका छोटा सा भी आंसर दे सकते हैं, आप जो जो करते हैं आप बस उतना ही बता सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो इनविजिबल वाले पे है कि आप 24 आवर्स के लिए इनविजिबल होंगे तो आप क्या क्या करेंगे, तो इसका भी आंसर आप यार बहुत ही फनी वे में दे सकते हैं। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में बोल सकते हैं इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट फनीस्ट डे ऑफ माय लाइफ और मेमोरेबल डे ऑफ माय लाइफ। उसके बाद आप क्या क्या करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई अगर एक्टिविटी है तो आप बता सकते हैं। अगर मुझे पूछा जाए तो मैं बोलूँगा लग्जरियस मॉल, आई वॉन्ट टू गो लग्जरियस मॉल, या फिर आपको लग्जरियस मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, या फिर आप मतलब रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, वहाँ पे टेस्टी फूड ट्राई कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, और सिनेमाज देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉल्स में मतलब आप जाके मतलब आई विल प्रीफर गोइंग मॉल्स एंड स्टीलिंग थिंग्स एट माई ओन रिस्क, ये भी आप बोल सकते हैं। आप मतलब सिचुएशन का फुल एडवांटेज ले रहे हैं, आपको ये बताना है कि आप इनविजिबल हैं, आपको कोई देख नहीं पा रहा है, तो आप उस सिचुएशन का पूरा फुल एडवांटेज ले रहे हैं, ये सब आपको बताना होता है। और आप लास्ट में एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, इन द लास्ट आई वुड हैव सम प्रैंक विथ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये भी आप बोल सकते हैं। मतलब इतना छोटा सा आंसर में ये भी हो सकता है, मतलब कुछ लोग होते हैं वो बहुत बड़ा बड़ा आंसर देते हैं, तो जितना बड़ा आप आंसर देंगे उतना क्रॉस क्वेश्चन सामने से आपको आएगा, तो इसीलिए हर क्वेश्चन को आप इसका जो आंसर होता है उसको छोटा ही रखने की कोशिश करिए, तो आपको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्रॉस क्वेश्चन का आंसर देने में। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगला जो वीडियो होगा उसमें यार मैंने 5 क्वेश्चन मर्चेंट नेवी से रिलेटेड जो पर्सनल क्वेश्चन है वो पूरा उसमें कवर अप किया है, तो उसके लिए आप मतलब रेडी रहना, और अभी मतलब वीडियो कल आ जाएगी इस वीडियो के बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।